यहाँ पर आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, तकरीबन 7 महीने के बाद ये इजलास हो रहा है, 42वां इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इस वक्त शुरू हुआ है। चारों सूबों के वज़ीर-ए-आला मौजूद हैं इस इजलास में, और इससे पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अलग मुलाकात भी की है और अपनी तजावीज इजलास से पहले भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुतलका हुकाम के जो कौंसिल मेंबरान हैं वो शरीक होंगे। ओग्रा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम के मामले पर गौर होगा। सूबों के दरमियान पानी के मसाइल का जो मामला है उस पर गौर किया जाएगा। इससे मुतल्लिका जो मंसूबे हैं और पानी की मुनसिफाना तकसीम के मामलों पर तफसीली मुशावरत होगी। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की और बुनियादी तालीम कुछ मामला हैं, उनसे मुतल्लिक 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए फैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ 2017-18 में जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के सालाना जायजा रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं, खासतौर पर सेहत से मुतालिक, उनसे पर जो अब तक अमल दरामद हुआ है उनका भी जायजा लिया जाएगा और कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। तो इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत शुरू हो चुका है। अब्दुल कादिर, अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका।